आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। कन्नौज जिले के सौरिक थाना क्षेत्र के बहादुरपुर मझगवां गांव में दबंग पूर्व प्रधान पुत्र प्रमोद ने आवास योजनाओं का सत्यापन करने गए ग्राम विकास अधिकारी सुभाष चंद्र वर्मा पर पीछे से धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में ग्राम विकास अधिकारी के सर में गंभीर चोट लगी, जिसके बाद लहूलुहान हालत में ग्राम विकास अधिकारी ने भागकर अपनी जान बचाई। वही घटना को अंजाम देने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया है। घटना की जानकारी जब सचिव संघ को लगी तो उन्होंने थाने में जाकर FIR दर्ज कराई। घटना के एक दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसके चलते आज जिले भर के ग्राम विकास अधिकारियों ने ब्लॉक परिसर में ताला बंद कर हंगामा कटा और फिर सचिवों ने कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन दिया और कहा कि अगर जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोगों का ऐसा ही कलमबंद हड़ताल कर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कन्नौज से मोबीन मंसूरी की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। हमारे सौरिक ब्लॉक में सुभाष वर्मा ग्राम विकास अधिकारी के साथ प्रधान पुत्र द्वारा मारपीट की गई थी और उस संबंध में FIR थाने में दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं की गई, ना गिरफ्तारी की गई। और इस संबंध में हम लोगों ने जिला के जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन भी दिया था, बताया भी था कि हम लोग अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है संबंधित की, हम लोग धरने पे बराबर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे काम रोक के यहाँ पे इकट्ठे रहेंगे। जैसा कि तो पिछली 1 तारीख को हमारे साथी सुभाष वर्मा के ऊपर सौरिक ब्लॉक में बहादुरपुर मझगवां गांव में जानलेवा हमला हुआ और आज उसके बाद 8 दिन बीत जाने के जो बाद भी पुलिस इतनी निष्क्रिय है कि अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हम लोगों ने पिछली 3 तारीख को माननीय जिलाधिकारी महोदय को वो ज्ञापन दिया था, जिसमें हम लोगों ने ये कहा था कि अगर 6 तारीख तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो जो है हम लोग 7 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और जो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। कार्य शैली ऐसी है कि वो अपराधियों को तो गिरफ्तार नहीं करती है, बल्कि जो जब कोई चुनाव होता है या कोई दंगा कहीं होता है तो उसमें वो सरकारी कर्मचारियों को 5-5 लाख के वो मुचलके में वो पाबंद करती है, अपराधियों से दोस्ती करती है और जो है वो कर्मचारियों का शोषण करना चाहिए।